रिक्वेस्ट करनी थी, अगर आपको वीडियोस अच्छी नहीं लग रही तो नीचे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कई अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 12:15 हो रहे हैं, तो मैं अगर छत पे चूजों को दाना वगैरह डालने के लिए, अभी उन्हें खुला ही छोड़ा हुआ है, कुछ ढूंढ के खा पी लेंगे। अभी मैं अपना हेलमेट भी जो है वो साथ में लेके आ गया था, इसका यार मोटो व्लॉगिंग सेटअप बना तो वो काम नहीं कर रहा, तो कल भी मैंने किया था तो कल भी कोई अच्छी जो हमें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि इसका जो माइक है ना तो वो वैसे तो अटैच करने से चलता है, लेकिन जब कैमरा ऑन करो तो इस मोबाइल पे वो नहीं चलता। तो अभी मैंने इस मोबाइल पे चेक किया है तो इस मोबाइल पे चलते हैं, दोनों माइक चलते हैं लेकिन इस मोबाइल पे एक भी नहीं चलता। ये इशू आ रहा था तो वो मैंने कहा चेक कर लेते हैं, अब धूप में बैठे धूप भी सेकते हैं और ये भी चेक कर लेते हैं। ये चेक करें, कोको कहाँ तक आ गई है? कोको 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 कोको, ये अकेली यहाँ तक आ जाती है। अब तो वो दूसरी ना ये भी आ जाती है, अब सिर्फ दो जो मुर्गियाँ ना वो यहाँ तक आ जाती है मेरे पास। ये चेक करें, अब ये दूसरी भी आ रही है यहाँ पे। अब मोटो व्लॉग अगर कभी किया भी करेंगे या तो फिर इस मोबाइल से ही किया करेंगे, यहाँ पे माइक्स वगैरह चल रहे हैं, या फिर इसका कोई लगाते हैं जुगाड़ और इस पर देखते हैं कि क्या बनता है। अभी मैंने कहा कि ऑडियो क्वालिटी है वो चेक कर लेते हैं किस तरह आ रही है इस मोबाइल के ऊपर माइक की, तो वो भी देखना होता है ना कि माइक हमारा ठीक से सेट हुआ है कि नहीं हुआ, ज़रा मेरी आवाज़ कैच कर रहा है क्या कर रहा है। तो ये फर्स्ट माइक है उसकी आवाज़ है, तो ये जी हमारा दम माइक लग गया है, तो किस तरह की आवाज़ आ रही है, ज़रा फट तो नहीं रही, तो ये बस चेक रहा हूँ। माइक टेस्टिंग 1 2 3, माइक टेस्टिंग 1 2 3। ये चेक करें क्या चीज़ है पहचानने, ज़रा सुंडी, यहाँ भी सुंडी घूम रही है और एक इधर भी सुंडी है वो भी घूम रही है, इस तरह सारी छत पे सुंडियाँ फैली हुई हैं, लेकिन चूज़ों ने वहाँ साक देख ली थी तो वहाँ से उन्होंने खा ली हैं सुंडियाँ सारी, तो बाकी छत पे अभी घूम रही है उन्हें पता ही नहीं है। और जो हमारी चिड़िया है तो मेरा ख्याल ये भी सुंडियाँ वगैरह खाती है, तो ये भी पहुँच गई यहाँ पर, सुबह से यहीं पर बैठी है। ये चेक करें, ये चेक करें, गुलहरी यहाँ पर घूम रही है, मेरा ख्याल एक दो गुलहरियाँ हैं यहाँ पर घूम रही, चिड़िया वहाँ पर बैठी हुई है और जो फाख्ता है वो बैठी हुई है वहाँ पर। अभी अभी मैंने नोट किया है कि हमारा जो वो वाला था ना, हमने जो निकाला था कूड़ा वगैरह कह लें या जो भी है, तो वो हमारी मुर्गियाँ वगैरह वहाँ से बखेर के तो खा लेती है सुंडियाँ वगैरह, ऊपर मैंने रखा था लगा के, तो ये भी किसी ने बखेरा हुआ है और इसके अंदर से भी कुछ ढूंढा हुआ है, तो मेरा ख्याल ये चिड़िया वगैरह इस तरह का काम कर रही है, तो पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन चिड़िया जो है आपको रोजाना दिखाता हूँ यहाँ पर बैठी होती है। और फाख्ता भी, बस फाख्ता का जो बच्चा है ना तो वो कल के बाद से मुझे नज़र नहीं आया कहाँ पर, तो आज भी अभी तक नज़र नहीं आया, नहीं तो उससे ज़्यादा उड़ना आता नहीं है तो कहाँ जाता था, लेकिन आज अभी तक नज़र नहीं आया। तो अंदर चलो चलो वापस चलो, कोको कर, कोको वापस चल, कोको वापस चल, रहे मान ला मेरी गल, वापस चल चल चल, शाबाश चल शाबाश, बाकी भी चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश, अरे तू क्यों नहीं जानी, तेनों मैं दसदा, कर 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 कर, हाँ शाबाश वेरी गुड, चल 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 शाबाश। चुम्बा वगैरह पर के आ गए हूँ, तो मैंने मूलियाँ भी लेके आ गया था बाजार से, तो वो भी काट दी हैं और ये दवाई भी मैंने तैयार कर दी है, तो अभी जाके डालते हैं। और आज फाइनली बाइक भी मैंने फिर उसके जो है पार्ट्स वगैरह लगा दिए हैं, तो मैंने कहा देखी जाएगी जब बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो दोबारा चार्ज कर लेंगे, निकाल लेंगे, इस तरह ना बाइक गंदी बहुत लग रही थी, तो फिर अब बाइक जो है पूरी पूरी लग रही है, तो अभी चलते हैं और खुराक वगैरह डालते हैं और देखते हैं आज कोई अंडा दिया कि नहीं दिया, सुबह तक तो कोई अंडा नहीं था। तो वो भी मैं छत पर आया था तो चिड़िया यहीं पर थी, तो अभी भी छत पर आऊँ चिड़िया यहीं पर है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें यहाँ पर बैठी हुई है मुसलसल, अब मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पे क्यों बैठी रहती है, अभी तक तो कोई अंडा नहीं दिया, अंडा दे दिया है तो वो पड़ा है, अभी उठाते हैं एक मिनट, चलो ये अंडा दिया है, दो दिनों बाद अंडा दिया है, तो अंडा थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, तो अभी दवाई मैं लेके आ गया हूँ, तो दवाई भी इन्हें डाल देते हैं, तो अंडा जो है हमारा थोड़ा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाएगा। अभी चलते हैं और थोड़ी सी राइड करके आते हैं इसकी, तो मोटो व्लॉगिंग सेटअप साल देख नहीं जा रहा, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग सेटअप मुझे पसंद नहीं आया, तो इसी तरह चलते हैं और उसे राइड करके आते हैं। अभी आदमी कहा रहे थे, कह रहा कि मौसम के घर जाओ और वो बाहर ही खड़ा होगा, उसे ले आओ जाके, तो लेते हैं फिर इंशाल्लाह ताला बैठते कहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आदमी कहता था बंद हो गई।
कल या परसों से मैं देख रहा हूँ, जो फाख्ता का बच्चा था ना, नजर ही नहीं आ रहा था, तो आज फिर नजर आ गया और हमारे घर के करीब ही है। ये बैठा हुआ है यहाँ पे, ये सामने बैठा हुआ है बड़े आराम सुकून से। अब थोड़ी देर तक शायद हमारी छत की तरफ भी आ जाए। आज सुबह से ये चिड़िया भी यहीं पे है, कहीं भी नहीं गई। जितनी मरतबा भी मैं छत पे आया हूँ तो आपको भी दिखाई है, तो मैंने खुद भी देखी, यहीं पे बैठी हुई है। डेली व्लॉगिंग के चक्करों में मुझे लग रहा है कि मैं कंटेंट से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। तो मेरा कंटेंट जो है, मैं नोट कर रहा हूँ, कोई 20-30 दिन हो गए हैं हमारी कंटेंट जो है छत से शुरू होता है और छत पर ही ख़त्म हो जाता है। तो मुझे बड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो आपने चैनल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट अभी तक कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप अभी आगे तक भी करेंगे। सिर्फ ये कंटेंट इसलिए डाल रहा हूँ कि मेरी जो है यूट्यूब की एनालिटिक्स वो ऊपर जाएँ, ताकि मेरी वीडियोस लोगों तक पहुँचें। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी वीडियोस लोगों तक नहीं पहुँच रही, क्योंकि मैं 1-2 दिन बाद डाल रहा था वीडियोस उस वजह से। तो इसलिए मैंने कोशिश की थी कि लगातार वीडियोस डालते हैं, जो भी रोज़ाना मैं करूँगा तो वो मैं डालूँगा। तो रोज़ाना तो फिर यही है, मैं ऊपर छत पर होता हूँ और अपने जो मुर्गियाँ हैं तो उनकी देखभाल करता रहता हूँ, तो वही सारी वीडियोस बनती हैं। अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको पसंद नहीं आ रही। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट मुझे लाजमी करें। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि कंटेंट थोड़ा सा ना चेंज करते हैं, कोशिश करते हैं कंटेंट चेंज करने की। वैसे एक आगे ट्रिप हमने रखा भी हुआ, इंशाल्लाह ताला जब आएगा आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो बस इतना है कि हम बर्फ़बारी देखने के लिए जा रहे हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी हमारा प्रोग्राम तो पका है, बाकी अल्लाह का होती है प्लानिंग, वो भी होती है, तो वो देखते हैं कि क्या प्लानिंग है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सब ठीक ठाक रखेगा, तो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये वीडियो छोटी सी वीडियो ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि ये भी ख़त्म कर देते हैं। तो मेरे पास रिक्वेस्ट करनी थी, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो नीचे कमेंट करें, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें। तो तब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।